क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके सितारे आपके लिए क्या खास लेकर आ रहे हैं? वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह नक्षत्र का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब ग्रह एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो कई शुभ राजयोग का निर्माण करते हैं। इनका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों पर पड़ता है, किसी पर सकारात्मक तो किसी पर नकारात्मक। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी 5 राशियां हैं जिनके लिए यह समय बेहद शुभ और लाभकारी रहेगा। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। घर में शुभ या मांगलिक कार्य हो सकते हैं। करियर में शानदार सफलता मिलेगी और कारोबार में धन वृद्धि होगी। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए रुका हुआ धन वापस मिलेगा। व्यापार में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। पढ़ाई कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी और नौकरी कर रहे लोगों को सीनियर का साथ मिलेगा। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा। परिवार में खुशहाली रहेगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। विदेश यात्रा पर जाने का योग बनेगा और जीवन में खुशियां आएंगी। समाज में मान सम्मान की वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। इस दुर्लभ योग की वजह से कारोबार में निरंतर वृद्धि होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार के साथ हर मामले में सहयोग मिलेगा और करियर में कई शानदार अवसर प्राप्त होंगे। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए ग्रहों के शुभ संयोग से व्यापार में जबरदस्त वृद्धि मिलेगी। आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे। सफलता कदम चूमेगी। आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी और दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होंगी। अयोध्या के ज्योतिष पंडित कल्की राम का कहना है, लगभग 12 साल बाद वृषभ राशि में शुक्र के गोचर से गज लक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा इस महीने बुध भी इस राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे एक साथ 4 बड़े ग्रह विराजमान होंगे। इसका प्रभाव खास तौर पर 5 राशियों के लोगों पर ज्यादा पड़ेगा। तो साथियों, इस समय का पूरा लाभ उठाने के लिए अपने कर्मों पर ध्यान दें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। लोकल 18 के लिए अयोध्या से सर्वेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यहां दी गई जानकारी ज्योतिष शास्त्र पर आधारित है। लोकल 18 किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता।